दोस्तों Realme 3 Pro में लास्ट जो अपडेट आया था 407 MB का, उसमें दोस्तों क्या क्या बग्स को फिक्स किया गया था और कौन कौन से फीचर हमें नए देखने को मिले और क्या क्या इम्प्रूव किया गया था उस अपडेट में, तो आज बात करेंगे उसी के बारे में। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है दीप, स्वागत करता हूँ आप सभी का दीप टेक में। दोस्तों 1 वीक हो गया है इस अपडेट को आए हुए और आज मैं इस पर रिव्यू कर रहा हूँ इतने दिन यूज़ करने के बाद। दोस्तों अभी तक अगर आपने इस अपडेट को अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लें, 407 MB का है, इसे अपडेट कर लें। दोस्तों इस अपडेट में फर्स्ट जो बग्स को फिक्स किया गया है यहाँ पर, वो है कैमरा हीटिंग इशू। दोस्तों अगर आपने पहले यूज़ किया, पहले क्या होता था, अगर हम ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह खींचते थे, फ़ोटोज़ या फिर वीडियो करते थे, तब हमारा जो फ़ोन है वो हीट हो जाता था, तो उस बग्स को यहाँ पर फिक्स किया गया है अभी, जो वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। सेकंड दोस्तों, इस अपडेट में Realme ने कैमरा क्वालिटी को इम्प्रूव किया है, तो मैं कुछ फ़ोटोज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ। अपडेट के बाद मैंने जो फ़ोटोज़ ली हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो आप उन फ़ोटो को देख लेना एक बार। तो दोस्तों इस अपडेट में हीटिंग इशू और कैमरा क्वालिटी इम्प्रूव, ये दोनों ही हाईलाइट है मेन, और सिस्टम कुछ बग्स को इन लोगों ने फिक्स किया है। क्या आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम या कुछ बग्स आपको देखने को मिल रहा है तो कमेंट में आप ज़रूर बताना। और दोस्तों क्या पहले आपको कुछ बग्स देखने को मिले थे और इस अपडेट के बाद नहीं देखने को मिला, तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों लास्ट जो है वो सिस्टम एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच, हमें May 5 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है।